In last video, we have done question number 4th and 5th of exercise 10.2. Today, we are doing question number 6. The length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. एक circle है अपने पास. इस circle का center से O. एक point है A. इस A पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है. A पॉइंट से हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी. ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है 4 सेंटीमीटर और इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर. आपको बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. आपको ये रेडियस फाइंड करना है. यू नो जो रेडियस है वो अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को टच कर लिया तो कितना एंगल होगा यहाँ पे 90 डिग्री. ये हमने थ्योरम किया. देखो पॉइंट को नाम दो से एम. AM is tangent on circle with center is 5 cm. AM is 4 cm. You have to find radius 4. आपको पता लग रहा है इन ट्राइंगल O A, M. Angle A is, angle M is 90 degree. Radius joining point of contact of tangent A, M. इसके अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए. आपको क्या फाइंड करना है? आपको ओ एम रेडियस फाइंड करना है. तो पुट करो वैल्यूज ओ ए दैट इज 5 स्क्वायर is equal to 4m square plus 4 square. 25 minus 60 is equal to 4m square. OM is equal to root of 9. This is equal to plus minus 3, but radius hai, it is plus 3. So, yahan pe aapke paas radius kitna aa jayega? Radius of circle is 3 centimeters. जिसकी रेडियस आपके पास कितनी है 5 सेंटीमीटर. राइट, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर ऑफ द लार्जर सर्कल. लार्जर सर्कल की कोर दिस वन, इसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है जो कि स्मॉलर सर्कल पर टेंजेंट है. ये सेंटर ओ है. ओ से लेट्स से ए बी इज अ कोर जॉइन ओ ए एंड ओ बी. AB is the core of larger circle. O is the center join OA and OB. आपको पता है रेडियस जब टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करती है तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री. इसको आप बना दो. सो इन ट्राइंगल O M A पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगेगी आपको. से ये O M रेडियस है तो ये थ्री. O A बड़े वाले सर्कल का रेडियस है सो इट इज 5. यू कैन फाइंड A M कर O A स्क्वायर इज इक्वल टू O M स्क्वायर प्लस M A स्क्वायर.
OA square is 5 square, OM square is 3 square plus MA square. 25 minus 9 is equal to MA square. 16, root 16 is equal to MA, which is equal to 4. Right? अब ये जो एम ए आया 4, ये हमारे पास ये वाली लेंथ है, राइट? आपको लेंथ ऑफ कोड निकालनी है, ए बी फाइंड करनी है, आपके पास ए एम आ गया, बट आप कह सकते हो ए एम इज इक्वल टू बी एम, व्हाई? परपेंडिकुलर फ्रॉम perpendicular from center on core bisects the core. ये जो perpendicular हम draw कर रहे हैं, ये AB core को bisect करता है। इसको आप prove भी कर सकते हो by common से कुछ। ये 90 degree का angle है, ये common है OF और ओ ए इक्वल टू ओ बी है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप कह सकते हो एम ए इक्वल टू एम बी बाय सिक्सिटी, और ये थ्योरम भी है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर फॉर्म सेंटर ऑन कोर्ड और कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्स द कोर्ड। तो अगर ए एम इक्वल टू बी एम है, तो आपको पता है ए बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एम, और एम ए हमने यहाँ पे फोर निकाला है, सो ए बी इज टू टू फोर, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कोर्ड कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। और आपसे ये पूछता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट है AB एंड इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सब प्रूविंग वाले हैं, वो भी हम अगले वीडियो में करेंगे। यहां तक आप